हाय दोस्तों, मैं इकबाल मलिक, अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा फादर है वो एक इंजीनियर थे और हम तीन बहन भाई हैं। और पहले मेरे घर की स्थिति बहुत अच्छी थी, बाद में नशे के उसमें आ गया कि मेरे को बहुत दिक्कत आने लगी हमारे घर में। और उस दिक्कत में भाई जी मैंने बहुत कुछ अपना गुआ दिया, अपने घर के सिलेंडर हो गया और माँ की चेन हो गई, थोड़ा बहुत सोना भी था मेरी माँ का, वो भी मैंने बेच दिया। घर वाले का भी मेरा थोड़ा बहुत सोना था, मैंने वो भी बेचा। और मेरे घर मेरे अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे थे मेरे बच्चों के, वो भी मैंने सब खत्म कर दिए। चोरियां मैंने बहुत की, मैंने आस पड़ोस में बहुत चोरियां की। कैसे हमारे आस पड़ोस में कोई अपना बर्तन रख देता, कुछ भी रख देता, सब बेच देता मैं ठाठा के। मेरे आस पड़ोस वाले सारे परेशान थे और मेरे घर वालों के पास डेली आना कि आपका लड़का नशा कर रहा है, ये कर रहा है और हमारे बर्तन चोरी हो गए। मेरी माँ सबके आगे हाथ जोड़ती रहती है मेरे चक्कर में, क्योंकि मेरे को बहुत प्यार करती है मेरी माँ। छोटा घर में मेरी था कि भी इसलिए प्यार करती थी। उसके बाद मेरे को सारे परेशान थे घर में, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं होकर बोलते। तो भाई मैंने 2014 में नशा किया था, 2019 तक मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था, ऐसा बुरा हो गया कि मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता। तो फिर इस रियप का नंबर मिला मेरी मम्मी को, तो मेरे को इस रियम में लाया। तो भाई मेरे दिल में भी थे कभी यार रियम में मार पिटाई होती है, क्योंकि मैं सुनता था यार दोस्तों से, जो यार दोस्त जाते थे मेरे वो उनसे सुनता था कि मार पिटाई होती है। तो ऐसा कुछ ही नहीं था कि मेरे को लेके आया तो यहाँ कैसे मेरे को लाया भाई जी, मैं सोचा मेरे को मारेंगे, पर नहीं, मेरे को मारा नहीं, मेरे को लाया अंदर, प्यार से बिस्तर वास्तर दिया, खाना दिया रात को। तो उस टाइम मैंने खाना खाया नहीं, क्योंकि मैं एक ही रोटी खा रहा था, क्योंकि मैं खुद को नहीं पता था कि मेरा हाल क्या है। उसके बाद भाई जी ने मेरा टेस्ट करवाया, डॉक्टर को वो बुलाते हैं, यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर टेस्ट करवाया। उसके बाद मेरा खून खान लेके मेरे को ले गए, वो चेक करा उन्होंने। तो भाई जी मेरा लीवर खराब था, मेरे को पता नहीं था भाई लीवर खराब है, क्योंकि मैं रोटी भी नहीं खा रहा था, एक ही रोटी खा रहा था। उसके बाद भाई जी ने बताया भाई तेरे लीवर में दिक्कत है। फिर मेरे को एक महीना भाई जी ने दवाई खिलाई, एक महीना बाद मेरी भूख खुल गई थी। मैं एक रोटी खाने वाला, आज मैं 10 रोटी खा रहा हूँ और सब कुछ यहाँ बढ़िया है। ऐसा रियप कहीं नहीं मिलने का आपको जैसा रियप ये है, हर कुछ बढ़िया है यहाँ। यहाँ के जो हमारे स्पॉन्सर हैं सबसे बढ़िया है, वो शाम को पोस्टमास्टर में अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और अपने परिवार ऐसे रखते हैं हमें, कैसे अपना परिवार है। कोई यहाँ कोई ऐसा नहीं कैसा आप सोच रहे होंगे कि यार नहीं हम नशा मुक्ति केंद्र में जाएंगे कि नहीं दिक्कत आएगी कि घर की याद आएगी, कोई नहीं है, अपना घर जैसा है, कैसा अपना घर है उसी अपने ये। उसके बाद भाई मैं जितने भी हुए है ये कहना चाहता हूँ भाई कि जितने मेरे भाई बहन जितने भी हैं परेशान है नशे में, इसी नशा मुक्ति केंद्र में आओ भाई, इस और ऐसा नशा मुक्ति केंद्र आपको कहीं नहीं मिलने का और ऐसा रियप कहीं नहीं मिलने का। ना यहाँ मार पिटाई है ना कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया करके खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है और प्रार्थना भी होती है, 3 टाइम प्रार्थना भी होती है, 6 टाइम प्रार्थना होती है, प्रार्थना भी याद कराते हैं और कदम भी याद कराते हैं। उसके बाद यहाँ सब कुछ होता है, शनिवार इतवार को यहाँ टीवी चलता है, वीडियो दिखाते हैं, कॉफी मिलती है शनिवार को, हर कुछ मिलता है यहाँ, कॉफी साथ बिस्कुट मिलते हैं, अपनी तरफ से भाई जी बिस्कुट देते हैं हमें। हमारे घर वालों के पास पैसे, मेरे घर वालों के पास पैसे थे ही नहीं भाई जी, देखो मेरे को 2 महीना हो गए स्टेडियम में, मेरे घर वालों के पास 50 रुपये भी नहीं थे जो मेरे को बिस्कुट ला के देते, मेरे को तो भाई जी ने ला के दिया सब कुछ, और भाई जी अपनी जेब में से ला के देते हैं मेरे को, हर कुछ भाई जी अपनी जेब में से करते हैं। मेरे हाथ में भी चोट थी, ये हाथ मेरे रोड डली हुई, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता था, मैं ड्राइवर था, इस हाथ में मेरी गाड़ी पलट गई थी तो मेरा हाथ ये चलता नहीं था। तो भाई जी ने मेरे को दवाई खिलाई अपने पैसों की, ना मेरे से मेरे घर वालों से कोई पैसा लिया ना कुछ लिया, सब भाई जी ने करा मेरे लिए। मेरे घर वालों को तो मेरे को पता भी नहीं मेरे भाई जी ने कितने पैसे लिए, नहीं तो हो रही है वाले तो घर जाने से पहले कम से कम 15,000 से पहले अकाउंट डलवाते हैं कि 15,000 डालो, पर भाई जी ने मेरे घर वालों से कोई पैसा नहीं लिया ना कोई वो करी, और भाई जी ने सब कुछ यहाँ भरा। और जितनी मेरी माता बहना है, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ मेरी माता बहनों कि जो भी परेशान है इस रियप का नंबर लो आप, इस बेड साइड में जाना, भाई जी अभी बता देंगे कौन सी इसकी वो है, उसमें जाना, इसमें भाई जी का नंबर भी है। और जितने भी मेरे भाई जितने मेरे माता जितनी परेशान है इस रियप में जरूर आना, और इस रियप के सिवा आपको कोई बढ़िया नहीं है, जितने इस रियप में फैसिलिटी है हर चीज की है। सुबह उठ के हमें कंघी
नहाना धोना कोलगेट सब कुछ मिलता है, ये तो हरिजम में कहीं नहीं मिलता जिस रिजम में, और भाई सब अपनी जेब में से लगा रहे हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई बहन हैं दोस्त हैं, तो भाई इसी रिजम में आना और इसी रिजम में आना, और आप इसी रिजम से बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा सब दोस्तों।